हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे, या नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी बीएड का प्रीवियस ईयर है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे बीएड स्टूडेंट के लिए। और ये 2020-22 सेशन का है, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है अगस्त 2022 में, है ना। तो ये लाइफ साइंस मेथड पेपर है, जो कि 7B में आपको वो मेथड पेपर होता होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल आपका 40 मार्क का क्वेश्चन होता है, जिसमें 18 नंबर पासिंग रहता है दोस्त, है ना। और 1.5 घंटा टाइम दिया जाता है ना, 1 घंटा 30 मिनट, है ना, जिसमें आपको 40 नंबर का लिखना होता है 5 प्रश्न, जो कि 10 नंबर का 3 प्रश्न होता है। आप सभी जानते हैं बेसिकली 10 नंबर का 3 प्रश्न होता है और 5 नंबर का 2 प्रश्न होता है। ओवरऑल 10 नंबर और 30 नंबर 40 नंबर हो जाता है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होगा बी एड एस्पायरेंट्स के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर देख के प्रैक्टिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये फिजिकल लाइफ साइंस मेथड का है। तो देखते हैं, ग्रुप वन में क्वेश्चन दिया है, जिसमें थ्री क्वेश्चन करना रहता है और ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन करना रहता है ना। तो देखिए, इसमें 3 प्रश्न का उत्तर देना है, तो यानी ए सेक्शन ए से 3 प्रश्न और सेक्शन बी से 2 प्रश्न, यानी 3 × 2 = 5 प्रश्न हो जाएगा, यानी 2 प्रश्न हो जाएगा 5 नंबर का, 10 नंबर हो जाएगा 5 × 2, और 3 प्रश्न हो जाएगा 10 नंबर का एक, तो 30 नंबर और 10 नंबर 40 नंबर टोटल है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि स्टेट द इक्विपमेंट एंड एड्स रिक्वायर्ड फॉर द बायोलॉजी लेबोरेटरी एंड राइट हाउ विल यू टेक रिक्रिएशन फ्रॉम इट, है ना। तो जीव शास्त्र प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरण और साहित्य बताकर उनकी सावधानियाँ कैसे रखेंगे, ये बताए, ये प्रश्न पूछा गया है। तो काफ़ी सीक्वेंस से सिस्टमेटिकली आप लिख सकते हैं जीवशास्त्र प्रयोगशाला के आवश्यक उपकरण साहित्य बताते हुए। दूसरा प्रश्न पूछा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म टचिंग इन बायोलॉजी सब्जेक्ट। जीवशास्त्र अध्ययन में साधिक अध्यापन की संकल्पना स्पष्ट करने की प्रश्न पूछा गया है दूसरा। और तीसरा में पूछा गया है कि स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, एक्सप्लेन इट्स आउट हाउ यू विल यूज़ दिस मॉडल फॉर टीचिंग द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, यानी पृष्ठ प्रशिक्षण प्रतिमान का महत्व बताकर जीवशास्त्र के छात्रों के अध्ययन में इसका उपयोग किस प्रकार करेंगे, यह संक्षेप में स्पष्ट करना है ना। इसके बाद चौथा प्रश्न पूछा गया था कि एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ यर प्लानिंग इन बायोलॉजी टीचिंग, यानी जीवशास्त्र के विषय में वार्षिक नियोजन का महत्व स्पष्ट करें। इसके बाद फाइव और नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट मींस बाय द लेशन प्लान, है ना। तो लेशन प्लान पार्ट योजना क्या है और व्हाट आर द मेरिट ऑफ लेशन प्लान टीचिंग बायोलॉजी, राइट, यानी एक लेशन प्लान बनाना है जीवशास्त्र अध्ययन पक्के परियोजना लाभ कौन से है स्पष्ट करना है। तो ओवरऑल एक लेशन प्लान बनाना है आपका सब्जेक्ट से। इसके बाद ग्रुप में 2 में है, जिसमें 2 प्रश्न का आंसर देना है, 5×10 नंबर और शॉर्ट आंसर है। जैसे पहला प्रश्न इसमें पूछा गया इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट प्लानिंग, यानी इकाई नियोजन का महत्व बताएं। दूसरा था एक्सपेरिमेंट इन बायोलॉजिकल साइंस, यानी जैव विज्ञान में प्रयोग। और तीसरा प्रश्न है और साथ में एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स, है ना। यानी 7 प्रश्न पूछा गया इसमें कि एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स, यानी शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण की व्याख्या करें। और नेक्स्ट प्रश्न है डिफाइन द टर्म इवोल्यूशन, डिस्कस इन डिटेल द कॉम्प्रिहेंसिव, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यू इवोल्यूशन, यानी मूल्यांकन शब्द को परिभाषित करें और व्यापक तथा निरंतर मूल्यांकन की विस्तृत योजना करें, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस द नेचर स्कोप जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस इन डिटेल्स, यानी जैव विज्ञानों के प्राकृतिक विस्तार सामान्य उद्देश्य तथा लक्ष्यों की विस्तार व्याख्या करें। तो ये 9 प्रश्न है, जो कि 40 नंबर का है, जिसमें आपको 18 नंबर लाना और टोटल 1.5 घंटा का टाइम होता है, जिसमें आप 40 नंबर में 18 नंबर पासिंग होता है दोस्त। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।